काउंट योर ब्लेसिंग्स बिकॉज हैप्पी पीपल आर मोर सक्सेसफुल टुडे इज ट्वेल्थ ऑफ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी लेट एस है क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रैपिड जी के यस्टर्डे क्वेश्चन के आंसर्स हैं बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ प्लासी ऑल दो एक पार्ट था बट बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सराज को डिफीट किया था लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी फ्लोरेंस नाइटेंगल को बोला जाता है लेडी विद लैम्प फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे ह्यूम लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया शाह आलम फर्स्ट मुगल रूलर थे जिन्होंने ग्रांट किया था दीवानी राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी रामपुरवा बुल फेमस अशोकन पिलर यहां एग्जिस्ट करता है सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस। आज के सवाल है काइगल वाटर फॉल्स ये अभी न्यूज में था ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है लोकेटेड है एनअल फेस्टिवल है बोनालू बोनालू एनुअल फेस्टिवल किस स्टेट को बिलोंग करता है सुल्तान अजलान शाह कप है ये रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स है एंड व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ असम असम का स्टेट एनिमल डोमक एक इंडियन फोक डांस है इसका ओरिजिनेशन किस स्टेट में हुआ है यू हैव टू टेल स्टेट नेम एंड वॉट इज द करेंसी ऑफ डेनमार्क डेनमार्क की करेंसी का नाम क्या है जैसे इंडियन करेंसी है रूपी तो डेनमार्क की करेंसी का नाम क्या है सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन गवर्नमेंट टू गवर्न ओ टी टी प्लेटफॉर्म दिस इज अ गुड न्यूज लद्दाख स्टैंड ऑफ फाइनलाइजिंग डिसमेंट ये डेवलपमेंट हो रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के जो एरियाज थे उसको एक्सपैंड कर दिया गया है ज्यादा सेक्टर्स अब यहाँ पे इंक्लूड होंगे छठ पूजा तो सेफोलॉजी सेफोलॉजी मतलब इलेक्शन और इससे रिलेटेड चीजों को अच्छे से पढ़ना वो एक्सपर्ट है दैट इज सेफोलॉजी और इलेक्शन फोरकास्ट विल अ टाइम फॉर कॉशियस ऑप्टिमिज्म अबाउट वैक्सीनेशन एंड ये भी एक अच्छा न्यूज है एटीन टन रेड सैंडलवुड कार्वोको को सीज किया गया है और ये किया गया ऑपरेशन थंडर 2020 के अंदर एफ के नॉर्म्स अमेंड हुए हैं वी जी एफ वायबिलिटी गैप फंडिंग जी डी पी फोरकास्ट इंडियन इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सी दिस इज पी एल आई स्कीम ये वागीर है वागीर सब सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है मजेगांव डॉक शिप यार्ड लिमिटेड देन दिस इज एक्सप्लेन सेक्शन और ये न्यू दिल्ली इंडो पैसिफिक आज जो मैप देखेंगे ये मैप है वेस्ट बंगाल का सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट फोर्टी मिनट्स दिस इज द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस अवर रेफरेंस मटेरियल ये फ्रंट पेज है द हिंदू का फर्स्ट न्यूज इज गवर्नमेंट टू गवर्न गवर्नमेंट टू गवर्न ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजिटल कंटेंट अभी तक नॉट रेगुलेटेड था बाय एनी बॉडी एज ऑफ नाउ और इसके रेगुलेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी ओ क्या होता है ये होते हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स हुआ या फिर अमेजोन प्राइम हुआ एच या फिर हॉट है ये सब चीज़ें हैं ना ये हैं ओवर द टॉप ये वीडियो स्ट्रीमिंग होती है यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड होते हैं वेब सीरीज़ आती है ये सारे ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स हैं वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये अब ये आएंगे अंडर द एम्बेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट विच इज़ अ गुड थिंग अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सी करंटली देर इज़ नो लॉ अभी तक कोई लॉ नहीं था इनमें किसी भी प्रकार का कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा था डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में ऑल दो बात होती थी सेल्फ रेगुलेशन नेसेसरी करने की बट एक फिक्स्ड गाइडलाइंस नहीं थी एक रिस्ट्रिक्शन जो होना चाहिए एक गाइडलाइंस होनी चाहिए रेगुलेशन होना चाहिए वो यहाँ पे मिसिंग था सो दैट इज वाई इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंदर लाया जा रहा है और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज कंटेंट अगर रेगुलेटेड नहीं होता है तो कई बार इरेस्पॉन्सिबल कंटेंट देखने को मिला सेंसिटिव कंटेंट था वलगॅरिटी बहुत ज्यादा थी तो दिस हैज टू स्टॉप ये नई बात नहीं है जनवरी में भी इसकी बात हुआ था कि ये कोड लाए अडोप्टेड बाय ओ टी हो ये सेल्फ रेगुलेशन करें प्रोहिबिट करें ये फाइव टाइप ऑफ कंटेंट कौन सा कंटेंट जिसमें डेलिब्रेटली और मेलिशियसली डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है नेशनल एम्बलम को ये चीज दिखाई नहीं जाएगी एंड एनी विजुअल्स और स्टोरी दैट प्रमोट चाइल्ड पोर्नोग्राफी इससे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा दिस शुड नॉट बी अलाउड अब जैसे जो प्रिंट है प्रिंट में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होता है ये इसका एक काइंड ऑफ रेगुलेशन देखता है टीवी में होता है केबल नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट टू ये भी एक काइंड ऑफ दिस डिजिटल ब्रॉडकास्ट टीवी एक रेगुलेटरी बॉडी है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है दिस डिजिटल कंटेंट का अभी तक ये बोल रहे थे कि हम सेल्फ रेगुलेशन करेंगे बट इट इज नॉट सफिशियन डिजिटल क्यूरेटेड कंटेंट एक कंप्लेन मैकेनिज्म भी है जहां पर अगर किसी डिजिटल कंटेंट रिलेटेड कंप्लेन है तो यू कुड हैव कंप्लेंट बट द पॉइंट इज ये सारी चीजें स्कैटर्ड थी और दीज टू थिंग्स दीज टू थिंग्स एंड दिस दिस इज कंटिन्यूअसली ऑन राइज बहुत सारे जो कंटेंट है इन लीडिंग प्लेटफॉर्म के उधर ये कम्प्लेन देखने को मिला सो दैट इज़ बाय फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो ओ टी टी प्लेटफॉर्म है ओ टी टी प्लेटफॉर्म में ये अंडर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट और एक सर्टन रेगुलेशन होगा सी अक्सर जो क्रिएटर होता है ना ये कंप्लेन करते हैं कि इनके पास क्रिएटिव फ्रीडम होना चाहिए क्रिएटिविटी कर्ब नहीं होनी चाहिए बट ये जो चीज़ें हैं ये भी अलाउ नहीं की जा सकती है इन द इन द इन द दिस फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी ओके सो दैट इज़ वाई एक सर्टन रेगुलेशन जरूरी है और इन अ वे ये अच्छा भी होता है बिकॉज इससे क्या होता है प्रॉपर गाइडलाइंस आ जाती है एक फ्रेमवर्क रेडी हो जाता है कंप्लेन मैकेनिज़्म आ जाता है एक एडहेर होता है और ये इकोसिस्टम जो है ये पूरा डिजिटल सर्विस का कंटेंट क्रिएशन का इन दी एंड ये इसको हेल्प ही करेगा तो ये एक प्रश्न आज तैयार करते हैं द नीड फॉर रेगुलेटिंग ओ टी टी प्लेटफॉर्म इस पर एक व्यू पॉइंट बनाइए बिकॉज कोविड नाइन्टीन के बाद जो ओवर द टॉप ये प्लेटफॉर्म्स हैं और डिजिटल कंटेंट है इसमें बहुत ज्यादा बूस्ट आया है और यहाँ रेगुलेशन नहीं है जैसे यूट्यूब है यूट्यूब में कोई रेगुलेशन नहीं हो पाता है इन जनरल सो देयर इज अ नीड टू हैव अ सर्टन रेगुलेशन प्रॉपर फॉर्मलाइज हो वो वाई एंड हाउ मच ऑफ रेगुलेशन वुड बी गुड अब ये सवाल है कि कितना रेगुलेशन होना चाहिए और किस टाइप का रेगुलेशन होना चाहिए इसके जो फाइन डिटेल्स हैं ना अभी मिनिस्ट्री ने रिलीज नहीं किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आएंगे इसको हम रिविजिट करेंगे बट फॉर नाउ डेवलप अ व्यू पॉइंट डेवलप अ व्यू पॉइंट ओ टी टी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना क्यों जरूरी है एंड वॉट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ दिस रेगुलेशन नियमन क्यों और कैसे अच्छा होगा तो इस पे एक डिबेट भी हो सकता है एंड हैव अ व्यू पॉइंट आंसर दिस दिस क्वेश्चन सो इज द फर्स्ट न्यूज सेकेंड न्यूज है लद्दाख स्टैंड ऑफ फाइनलाइजिंग फाइनली दिस इज सम गुड न्यूज लद्दाख स्टैंड ऑफ इंडिया चाइना फाइनलाइज कर रहे हैं डिस एंगेजमेंट प्लान समर्स से स्टार्ट हुआ था विंटर्स आ गए और एंगेजमेंट यहाँ पे जो है स्टैंड ऑफ है वो कॉन्टिन्यूसली बना था इनफैक्ट वो एस्केलेट हो रहा था विंटर्स में इस एरिया को मैन करना बहुत डिफिकल्ट है डिस एंगेजमेंट के यहाँ पे प्लान है विच इज़ अ गुड थिंग सी ये पूरी जो लेक है ना दिस इज पेंगोंगसो लेक ये यहाँ पर है पेंगोंगसो लेक और ये पूरा रीजन है दिस इज लद्दाख इसका कुछ पार्ट है जो इंडिया के पास है कुछ पार्ट है चाइना के पास है ये इंडिया का परसेप्शन है ये इसको हम एल मानते हैं दिस इज एल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ये एरिया है यहाँ पे अलग अलग एरिया जैसे फिंगर एट फिंगर सेवन फिंगर फिंगर शेप फिंगर एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जो ट्रेडिशनली एल थी वो यहाँ पर थी बट चाइना ने क्या किया ये आ गए इंडिया एरिया में और यहाँ पर आ गए स्टैंड ऑफ का साइट यहाँ पे हो गया अब डिस की बात है तो डिसंगेजमेंट के लिए कोर कमांडर टॉक्स हुआ कोर कमांडर टॉक्स का कोई रिजल्ट नहीं निकले फिर फाइनली अभी ये फेजड डिस प्रपोज हुआ है ट्रूप डिस होगा लाइकली टू बिगिन नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो पे पीएलए जो ऑक्यूपाई और फोर्टिफाई किया पीएलए मतलब चाइना का आर्मी पीपल लिबरेशन आर्मी एट किलोमीटर स्ट्रेच आया है फिंगर फोर से लेके फिंगर एट तक तो जो एल एस था वो फिंगर एट तक था बट ये अंदर हमारे एरिया में ऐसे आ गए थे फिंगर फोर एरिया तक आ गए थे तो यहाँ डिस करेंगे और जो फोर्टिफिकेशन किया है इसको कम करना है पी एल ए ट्रूप विद्रॉ करेगी देयर पोजिशन ईस्ट ऑफ फिंगर एट और इंडियन सोल्जर्स पुल करेंगे वेस्टवर्ड ऑफ दिस धन सिंह था यहाँ पेनर में होगा ग्रेजुअली जो फिंगर फोर और फिंगर एट की पोजिशन है ये फिंगर फोर है ये फिंगर एट की पोजिशन है एल एस सी कहाँ पर थी यहाँ पर है finger Chinese फिंगर एट और चाइनीज यहाँ फिंगर फोर तक आ गए फिंगर फोर फिंगर फाइव सो फिंगर एट की जो पोजिशन है ये नो पेट्रोल जोन होगा यहाँ से यहाँ तक एंड एल एस सी रन नॉर्थ टू साउथ ये हमारा दिस एल एस सी एक्चुअली यहाँ पर है इंडिया यहाँ पे बोलता है एल एस सी दोनों जो आर्मी हैं वे विदड्रॉ भी करेंगे टैंक्स को और डेप्थ एरिया तो डी मिलटराइज करने की बात है जो बिल्डअप हुआ था एक्स्ट्रा उसको वापस नलीफाई होगा प्रूप्स वैकेट करेंगे अनऑक्यूपाइड चुशल हाइट्स और ये सब चीज़ें फेज्ड मैनर पर होगी अगेन प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स के एक्सपीरियंस और स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं बी वेरी वेरी केयरफुल वेन यू आर डीलिंग विथ चाइना so so this 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 we should understand Ladakh stand finalizing disengagement trust but verify always verify always so, is is OTT platform this is Ladakh अब ये सेंटर है ये अनवील कर रही है incentives टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग हमने वियतनाम example देखा वियतनाम ने क्या किया बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने आप बुलाया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उनको easy incentives दिए गए प्रमोट किया गया हम भी इंसेंटिव्स दे रहे हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट हो 1991 का जब एल हुआ था तो एल ने ना मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट नहीं किया एग्रीकल्चर को प्रमोट नहीं किया 1991 एलपीजी जो हुए थे उससे केवल सर्विस सेक्टर को बेनिफिट हुआ एनसीआर क्लास एलेवेंथ इकोनॉमिक्स तो ये जो इंसेंटिवस है ना अभी हम मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस कर रहे हैं बिकॉज चाइना का एग्जाम्पल देखिए मैनुफैक्चर ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है वो सो वी नीड टू डू बेटर इन मैन्युफैक्चरिंग इसके लिए हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं अभी कुछ दिन पहले ये नीति आयोग वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी ने एड्रेस किया था एशिया पैसिफिक चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री को और इन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये जो इंसेंटिव्स हैं या फिर प्रोटेक्शनिस्ट मेजर जो हम ले रहे हैं या फिर जो सेल्फ रिलायंट इंडिया में हम एम्फेसाइज कर रहे हैं ये ना परपैचुअल नहीं है हमारा पर्पज क्लोज इकोनॉमी नहीं है वी बिलीव इन ग्लोबलाइजेशन बट हम डोमेस्टिक फॉर्म्स को मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया मेक इन इंडिया इसको हम एनकरेज करेंगे सो देर इज अ डिफरेंस और जो भी स्कीम आती है वो एक सनसेट क्लॉज के थ्रू आएगी सनसेट क्लॉज मतलब सूरज उगता है तो डूबता भी है मतलब एक फिक्स्ड टाइम है पर पैचुएटी में वो नहीं चलती रहेगी कि वो स्कीम चलती ही जा रही है ऑन एंड ऑन एंड ऑन नो देर अ सनसेट क्लॉज इम्पोर्ट बैरियर्स विल नॉट बी पर पैचुअल बिकॉज इंडिया क्लोज इकोनोमी नहीं है हम प्रोटेक्ट करेंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को टैरिफ लगा सकते हैं हम इम्पोर्टेड गुड्स में टैरिफ बैरियर टैरिफ बैरियर मतलब हमने ज्यादा कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दिया पैसे बढ़ा दिए बाहर से इम्पोर्ट कराने के तो ये टैरिफ ड्यूटी होता है टैरिफ बैरियर होता है एक दूसरा बैरियर होता है नॉन टैरिफ बैरियर नॉन टैरिफ बैरियर में हम क्या करते हैं रिक्वायरमेंट चेंज कर देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं जैसे फाइटोसैनिटरी मेजर्स यूरोपियन कंट्रीज लगा देती हैं तो एक होते हैं दिस टैरिफ बैरियर दूसरे होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर इम्पोर्ट्स पे तो ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हैं एडवांटेज देना है डोमेस्टिक इकोनॉमी को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या है कि आप यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हो जैसे एप्पल आ रहा है एप्पल ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया फॉक्सकॉन एक सप्लायर है उसने कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया कैनन ने किया तो हम उनको कुछ इंसेंटिवस देंगे अभी ये जो पीएलआई है ये फार्माक्यूटिकल मेडिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक्स में था इसको बढ़ा के सिक्स फोर सेक्टर करने की बात थी तो इससे क्या होगा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे तो अभी सरकार ने इस पीएलआई का जो एम्बिट है उसको बढ़ा दिया है इसमें अब फूड प्रोसेसिंग भी आएगा फूड प्रोसेसिंग मतलब अगर आप सिंपल एक फ्रूट ले रहे हो तो वो से हंड्रेड रुपी के में बिकेगा फूड ये जो फ्रूट है इसका आपने जूस बना के बेचा पैकेजिंग वगैरह अच्छे से करके तो इसका प्राइस फाइव टाइम्स हो जाएगा सो दिस इज़ फूड प्रोसेसिंग मिल्क है और मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं तो दिस इज फूड प्रोसेसिंग टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्सटाइल स्पेशलिटी स्टील ऑटोमोबाइल कॉम्पोनेंट्स वोल्टाइक मॉड्यूल्स सोलर वोल्टो वोल्टाइक मॉड्यूल्स वाइट गुड्स जैसे एयर कंडीशनर्स और एलईडी इन सब एरिया में अब पीएलआई मिलेगा

सिवियर पॉल्यूशन है बट इट मे नॉट लास्ट लॉन्ग एयर क्वालिटी एंड दिस इज द प्रॉब्लम दहली में 8,000 प्लस केसेस आए हैं लास्ट डे सी 8K के फॉर फर्स्ट टाइम तो कॉशियस रहना जरूरी है इसी से लिंक्ड हमारा थर्ड न्यूज आर्टिकल है दैट इज अबाउट दिस फोर्थ न्यूज आर्टिकल है दैट इज छठ पूजा छठ पूजा का बहुत महत्व है एशियंट हिंदू वैदिक फेस्टिवल है ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्पेसिफिकली ये ऑब्जर्व किया जाता है बिहार झारखंड यूपी में मध्यश रीजन ऑफ नेपाल में भी छठ पूजा होता है दिस इज अबाउट सोलर सन प्रेयर्स और रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं पूजा एंड प्रसाद बाद इन गंगा और फास्टिंग इन रिवर वाटर अभी 20 नवंबर को ये होगा सिग्निफिकेंस है कि हम सन को थैंक्स दें बिकॉज इन दी एंड जो लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ में दैट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ सन बेस्टोविंग द बाउंड्रीज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड फुलफिलिंग पर्टिकुलर विशेज तो इसके लिए हम मनाते हैं छठ पूजा बट ये जो साल है इधर कोविड नाइन्टीन है तो देट इज़ वाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है एडमिनिस्ट्रेशन को डिफिकल्टी हो रही है कि हम जैसे रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ हैं इसको अलाउ करें या स्टॉप करें बिकॉज विंटर्स भी हैं कोविड भी है तो नंबर ऑफ केसेज भी बढ़ रहे हैं तो पब्लिक प्लेस में अगर हम अलाउ करेंगे तो चीज़ें वर्जन हो जाएगी सो दैट इज वाई रेसिडेंट्स को कहा गया है कि दे कुड सेलिब्रेट इट बट लेट्स ट्राई टू सेलिब्रेट एट होम कोविड नाइनटीन पॉल्यूशन का थ्रेट है belief, faith, अब ये जो टॉपिक है ना ये टॉपिक अभी इन डेवलपमेंट है इस पर भी एक व्यू पॉइंट होना जरूरी है कोविड नाइन्टीन पॉल्यूशन थ्रेट है वर्सेज जो बिलीफ है फेथ है सेंटिमेंट है तो दिस इज अचुएशन छठ पूछा तो फिलहाल के लिए डी ने ये कहा फिर अब हाईकोर्ट है कोलकाता वहाँ पर भी ये ऑर्डर है कि हम पब्लिक गैदरिंग अलाउ करें या नहीं करें सबरीमाला टेम्पल में था मॉस्क में प्रेयर्स हैं तो ये जो गैदरिंग्स होती हैं और दूसरी तरफ है दिस कोविड नाइनटीन एंड पैंडेमिक सो दिस इज अ थिंग अब ये नेक्स्ट है दिस इज द फिफ्थ वन फिफ्थ वन है दिस इज एट दस्तकर आर्टिसन ट्राइज टू रीबूट बिजनेस रीबूट मतलब बिजनेस ठप हो गया अब उसको रीबूट कर रहे हैं रीबूट बिजनेस आर्टिसन ट्राइज टू डू दिस सी कोविड 19 का जो इम्पैक्ट आया है ना वो लोकल क्राफ्ट आर्टिसंस इन पे बहुत ज्यादा आया है अभी हमने पॉट मैन्युफैक्चरर देखे थे यूपी के फिर हमने टॉय मैन्युफैक्चरर देखे ये आर्टिसंस हैं दस्तकर हैं ये क्या बनाते हैं पेपर मैश आर्ट पीसेस कोस्टर्स शो पीस पिगी बैंक्स नेम प्लेट्स ये सब ये प्रोडक्शन करते हैं बिजनेस ठीक चल रहा था बट फिर आ गया कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन तो ये इनका फाइनेंशियल क्राइसिस डेवलप हो गया है आर्टिसंस सपोर्ट एंड स्कीम ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मल इनफॉर्मल इकोनॉमी है इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और आर्टिसंस जो इम्पैक्ट आया है कोविड एंड लॉकडाउन का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो यहाँ ये बताया दे आर ट्राइंग टू रीबूट बिजनेस इनके लिए जो फेयर एंड फेस्टिवल्स होते हैं ना जैसे अक्सर मेला लगता है मेला में क्या होता है बहुत सारे आर्टिसन्स आते हैं और अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दिखाते हैं और यहाँ से इनको इनकम जनरेट होती है तो ये चीज़ें इनके लिए ठीक रहता है जैसे दस्तकर में ये आर्टिस ट्राई कर रहे हैं टू तो रिवूट बिजनेस सेल करने की कोशिश कर रहे हैं हमें भी अगर हमारी कैपेसिटी में होता है तो वी शुड एनकरेज सच आर्टिसन्स ओके वी शुड इफ वी कैन डू वी शुड एनकरेज सच आर्टिसन्स गो लोकल दिवाली पे जैसे आप दिया लोकल दिया खरीदें या फिर इस टाइप से अगर आपकी कैपेसिटी में यू कैन सपोर्ट जस्ट डू इट इट हेल्प्स रीबूट बिजनेस देन दिस इज डेली गेट रिस्पाइड फ्रॉम सीवियर पॉल्यूशन है बट ये ज्यादा लास्ट नहीं होगा आठ हजार केस आए हैं कल कोविड नाइन्टीन के दिस इज द नेक्स्ट वन नेक्स्ट है एडिटोरियल जो फर्स्ट एडिटोरियल है दिस इज अबाउट बिहार पॉलिटिक्स और उसके रिजल्ट वीक एट द टॉप सेकेंड जो एडिटोरियल है ये है मध्य प्रदेश इलेक्शन रिजल्ट्स यहां हुए थे बाइपोल्स और यहाँ पे फुल फ्लेज विधानसभा चुनाव ट्रम्पिज्म स्टिल रिमेन अनवेनक्वेस्ड सी अभी क्लैरिटी नहीं आ रहा है ट्रंप अभी वापस कंसीड नहीं किया है डिफीट और ये इसको लीगल बैटल लेके जा रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट जो हैं और जो बाइडन हैं अभी बहुत जल्दी बात करना ठीक नहीं है ट्रम्पिज्म स्टिल रिमेन अनवेनक्वेस्ड बट द पॉइंट इज मिस्टर ट्रंप की जो पॉलिसीज थी नेशन फर्स्ट या फिर जैसे अभी उन्होंने चार्जेस लगाए बट उस चार्जेस को बैक करने के लिए एविडेंस नहीं दे रहे हैं तो पोलराइजेशन हुआ यूएस का वर्ल्ड में ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा पुल बैक किया यूएस बहुत सारे इंटरनेशनल मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन से पुल बैक किया तो ये जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ थी क्लाइमेट चेंज को उन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है तो ये जो पॉलिसीज़ थी ये अगर डोनाल्ड ट्रम्प अभी ऑफिस से लीव कर भी जाएंगे जनवरी ट्वेंटी में तब भी ये जो उन्होंने जो जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ाया है यूएस को और वर्ल्ड को उससे वापस पुल बैक करना डिफिकल्ट है जैसे एच वन बी वीजा एंड ऑल लेट सी चाइना के साथ ट्रेड वॉर ईरान के साथ उनकी डीलिंग इसराइल ये सब चीज़ें अनवेनक है लेट लेटेस्ट सी इसमें अभी फिलहाल लेट सी मिथ्स एंड द रियलिटी ऑफ इलेक्शन फोरकास्ट टाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल एक होते हैं सेफोलॉजी सेफोलॉजी क्या होते हैं ये पॉलिटिकल साइंस होते हैं ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस का सेफोलॉजिस्ट क्या करते हैं क्वांटिटेटिव एनालाइज करते हैं इलेक्शन का बैलेट का आपको पता है चुनाव जो होता है ना ये भी एक फुल फ्लेज्ड ऐसा स्पेशलाइजेशन चीज होता है चुनाव जीतने के लिए भी जो इलेक्शन पार्टीज होती हैं ये प्रोफेशनल्स की हेल्प लेती हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन इलेक्शन एंड बैलेटिंग तो सेफोलॉजी क्या करता है साइंटिफिकली उसको अंडरस्टैंड करता है कि चुनाव कैसे होते हैं क्या पैटर्न होगा किस टाइप से आगे वोटर टर्नआउट होगा वोटर का बिहेवियर क्या होगा दिस एंटायर थिंग इज दिस पॉलिटिकल साइंस इज दिस सेफोलॉजी अब मीडिया जो है मीडिया में अक्सर ये बायस आता है ये चार्जेस लगते हैं कि मीडिया जो होती है वो बायस्ड होती है मीडिया जो होती है ना वो इलिटिज्म दिखाती है बिकॉज आपको पता है हमारी जो सोसाइटी है इसमें एक पोर्शन है वो काफ़ी इलीट है पढ़ा लिखा है फ्लूएंट इंग्लिश बोलेगा इलीट है और जो दूसरा सेक्शन है वो ये सब चीज़ नहीं करेगा वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है उसको बेसिक बेसिक चीज़ें पता है तो अब मीडिया इनको दिखाएगा तो इतने व्यूवर्स नहीं आएंगे मीडिया ज़्यादा प्रेफर करता है इलीटिज़म को तो मीडिया जब ऐसा करता है तो ग्राउंड रियलिटी से उसका डिस्कनेक्ट हो जाता है पब्लिक प्रोफाइल और एक्चुअल वोट में डिफरेंस होता है ये डिफरेंस तब नजर आता है जब इलेक्शन फोरकास्ट हुआ और फिर इलेक्शन के नतीजे आए दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा तो डिजिटल वर्ल्ड और ग्राउंड रियलिटी इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जो चीज़ें दिखती है डिजिटल वर्ल्ड में एक्चुअल में वैसी होती नहीं है वोटर बेस भी बहुत वास्ट होता है अब ये जो सेफोलॉजिस्ट हैं मीडिया हाउसेज हैं इलेक्शन फोरकास्ट किए फोरकास्ट करने से पहले पूछना चाहिए इनका सैंपल साइज क्या है आपने 100 लोगों से पूछा और बता दिया 100 लोगों ने बताया कि ये ये चीज़ है ये ये चीज़ है उसके बेसिस पे आपने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए या फोरकास्ट कर दिया तो सैंपल साइज तो बहुत कम है ये 100 की जगह एटलीस्ट दस हजार होना चाहिए तो उस केस में इनएक्यूरेट होगा और डेटा एनालिसिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अब जितने भी ये आते हैं ना जैसे इंडिया का इलेक्शन देखिए जनरल इलेक्शन या फिर विधानसभा चुनाव या फिर यूके का यूएसए का ये सवाल पूछने चाहिए क्या प्रेजेंट डे पोलस्टर्स जो हैं इन जनरल प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं अंडरलाइंग स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स को स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स जो डेटा नंबर्स होते हैं ना इनके भी एक नियम होते हैं डिजाइन सैंपल एनालाइज दिया डेटा क्या ये उन्होंने फॉलो किया वरना हम जिस एज में रह रहे हैं ना डिजिटल एज इसमें दिस इज एन एज ऑफ एक्सपर्ट कोई भी एक्सपर्ट बन जाएगा कमेंट पास कर देगा कि एक प्रोडिक्शन दे दिया बट क्या वो ये चीज़ों को फॉलो किया है दिस वी नीड टू आस्क डू दे गो टू रिमोट कॉर्नर ऑफ द कंट्री सेंसिटिव बूथ फॉर देयर सर्वे क्या ऐसा किया डू दे मेंटेन द रिक्वायरमेंट कि थ्री परसेंटेज पॉइंट मार्जिन ऑफ एरर हमेशा रहता है तो ये उन्होंने इंक्लूड किया सैंपल रैंडम था या नहीं था क्या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन बाय अप्रॉक्सीमेटली द प्रपोर्शन ये जो सैंपल साइज है इसमें भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए जेंडर एज इनकम रिलीजन कास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है बिकॉज इसके हिसाब से भी वोटर का बिहेवियर होता है हाउ डू दे हैंडल पॉसिबल नॉन रेस्पॉन्स है तो ये चीज़ें ये सवाल पूछेंगे ना तब एक्यूरेसी आएगी फोरकास्ट इन देन रियल वर्ल्ड में सैंपल साइज सैंपल का फ्रेम क्या है एस्टिमेशन क्या लिया आपने स्टैटिस्टिक्स कैसे देखे वेरिएबिलिटी आपने कैसा देखा ये चीज़ें बताएगी अगर पोलस्टर देखेंगे तो क्वालिटी ऑफ फोरकास्ट बेटर होगा सो दिस इज अबाउट फोरकास्ट इलेक्शन फोरकास्ट अनलेस स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन एनफोर्स टूडेज पोलस्टर्स टू पब्लिश मैथोडोलॉजी मैथड क्या है आपने एक रिजल्ट बताया एक आउटकम पे आए बट वॉट इज द मैथडोलॉजी जैसे वर्ल्ड बैंक ने अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकाला था उसके सर्टेन पैरामीटर्स है मैथडोलॉजी क्या है मैथडोलॉजी क्या है स्टेटिस्टिक्स क्या है वेरिएबल्स क्या है तभी पोल प्रिडिक्शन जो है ना वो एक्चुअल में ट्रस्ट ऑफ पीपल को रीगेन कर पाएगा अदरवाइज क्या हो रहा है कि मीडिया हाउसेस को आजकल लोग सीरियसली लेते नहीं है बिकॉज दे डू नॉट एक्ट रेस्पॉन्सिबली दे डू नॉट एक्ट दिस एक्यूरेटली सो दिस हैज टू बी देयर ट्रांसपेरेंसी हैज टू बी देयर और जो प्रॉपर मैथड है स्टेटिस्टिक्स के उसको फॉलो करना ज़रूरी है अदरवाइज मिथ एंड द रियलिटी ऑफ इलेक्शन फोरकास्ट इनके फोरकास्ट करेक्ट होते नहीं है बट टाइम फॉर कॉशियस ऑप्टिमिज्म है ये न्यूज़ है फाइजर का फाइजर की जो मेडिसिन थी इसका फेज थ्री ट्रायल अभी स्टार्ट हुआ है एनकरेजिंग है लेट्स वेट फॉर सम टाइम अ टाइम ऑफ कॉशियस ऑप्टिमिज्म कॉशियस ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म इज गुड बट बी केयरफुल कॉशियस ऑप्टिमिज्म लेट्स वेट स्पुतनिक फाइव का नाइनटी टू परसेंट इफेक्टिव है रशिया का लेट्स वेट मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज जैसे भारत बायोटेक का वैक्सीनेशन आया पहले दिन इसका अनाउंसमेंट हुआ हमने बहुत डिटेल में पंद्रह मिनट इस पर बात किया पंद्रह अगस्त डेडलाइन था और आज देखिए क्या हो रहा है कोई अपडेट नहीं है न्यूज नहीं है सो लेट्स वेट अ टाइम फॉर कॉशियस ऑप्टिमिज्म अठारह टन का रेड सैंडलवुड कार्गो सीज हुआ है सो दिस इज द न्यूज और ये रिपब्लिक एंड इट्स डिसकंटेंट है अ चर्न चल रहा है बिहार पॉलिटिक्स में कल हमने पढ़ा था ना कि चुनाव में वोट डालते हो आप तो वोट डालने का क्राइटेरिया क्या है किन पैरामीटर्स में आपको वोट डालने चाहिए वोटर मेच्योरिटी इज रिक्वायर्ड टाइम फॉर कॉशियस ऑप्टिमिज्म है ये अनून्स हैं अभी बहुत ज़्यादा ये स्पुतनिक फाइव वैक्सीनेशन है इसने भी बड़े टॉल क्लेम्स किए थे बट क्रिटिसिज्म हो रहा है इतना आउटले है फॉर ओवर फाइव इयर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब्स क्रिएट एंड पीएलआई स्कीम में जो अभी क्लियर हुआ है एक्सप्रेस में इसका आर्टिकल है हम उसको देखते हैं आगे ये अट्ठारह टन है रेड वुड रेड वुड सीज हुआ इंडिया में ये इंटरसेप्ट किया हमने जो शिपमेंट बाउंड था यू जा रहा था ड्यूरिंग मंथ लॉन्ग ग्लोबल ऑपरेशन ये ऑपरेशन क्या है ये ऑपरेशन है ऑपरेशन थंडर 2020 एक महीने तक इंटरपोल वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तकरीबन 103 ऑर्गेनाइजेशंस की इन सब ने मिल काम किया कि ये जो स्मगलिंग होती है वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फोना का इसको चेक किया जाए और रेड सैंडलवुड ऐसे ही सीज हुआ है फ्लोरा मतलब ट्रीज एंड ऑल फोना मतलब दिस एनिमल्स फ्लोरा एंड फ्लोरा एंड तो इसके लिए एक बॉडी है साइट्स साइट्स कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज ट्रेड होता है स्मगलिंग होती है और इसके लिए एफ भी एक्टिव होती है फ्लोरा एंड फोना वाइल्ड लाइफ जो है फॉरेस्ट्री है ये क्राइम है ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इीगल ट्रेड है फोर्थ लार्जेस्ट इीगल ट्रेड है ये काफ़ी लोकरेटिव इलीगल बिजनेस है फार रीचिंग और डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसिस आते हैं इसके एनवायरमेंट डैमेज होता है सोसाइटी पब्लिक हेल्थ ग्लोबल इकोनॉमिक्स में तो ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया ऑपरेशन थंडर 2020 अब ये न्यूज टैंपलेट है ना रिमेंबर दिस न्यूज़ टैम्पलेट एनवायरनमेंट का कोई भी प्रश्न कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी इकोलॉजी आप सोचना इसको कैसे वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं इसकी यूटिलिटी बहुत है ऑपरेशन थंडर ट्वेंटी ट्वेंटी इंटरपोल वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फ्लोरा एंड दैट इज अबाउट दिस होम मिनिस्ट्री ने अमेंड किया एफ सी आर ए रूल एफ सी आर ए मतलब फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट टू थाउजेंड टेन इसमें अभी अमेंडमेंट किए थे एनजीओ होते हैं ये बाहर से भी पैसा लेते हैं डोनेशन लेते हैं बट इनका वर्किंग कैसे चल रहा है दिस वी नीड टू टेक केयर तो यहाँ कई बार क्या होता है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ भी होती है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रहा है तो इनके जो नॉर्म्स हैं उसको अमेंड करना ज़रूरी था अब ये रिलेटेड है फाइनेंस का बट जो इसके रूल्स आएंगे ना वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लाएगी एफ में मेंबर ऑफ लजिस्लेचर पॉलिटिकल पार्टीज़ या कोई सांसद वगैरह हैं लजिस्लेचर या पॉलिटिकल पार्टीज़ है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जज है मीडिया पर्सन है ये फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते Foreign funding ये receive नहीं कर सकते अमेंडमेंट में ये बात आई अब दूसरा फिर से अमेंडमेंट हुआ इसमें एम एच ए ने रिलेक्स किया नॉम्स जो पहले ये टाइट किए थे नॉर्म्स क्या रिलैक्स हुए कि जो फार्मर स्टूडेंट हैं रिलीजियस और अदर ग्रुप के हैं जो नॉट डायरेक्टली अलाइंट है किसी पोलिटिकल पार्टी से वो फंड ले सकते हैं वो फंड ले सकते हैं इफ द ग्रुप आर नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिव पॉलिटिक्स अब इसका यूटिलिटी ना मेंस में भी है और इससे एक बहुत अच्छा एमसीक्यू भी बन सकता है प्रेलम्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एफ में किस किस को रेगुलेशन मिला है जैसे जीएसटी का हमने देखा था हर साल एक एमसीक्यू आ जाता है दिस इज एफ सी आर ये जो ग्रुप है अगर ये एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है तो ये फंडिंग ले सकते हैं फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट दिस इज नॉट अ फ्लैश इन द पेन एंड दिस इज अनादर प्लेस टू रेज दिस इज शो के थॉटफुल गिफ्टिंग ये वर्ड न्यूज है अमेरिका इज गोइंग टू बी बैक सेलेक्ट ने बोला है इशूज है बात है श्रीलंका अभी फाइनल कॉल लेगा कंटेनर टर्मिनल कोलम्बो माइट कंसीड टू प्रेशर फ्रॉम इंडिया चाइनीज इन्वेस्टमेंट एंड देन इंडिया यहाँ पे क्लोजनेस बहरीन के प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग डाइजेट एटी फोर इलेक्शन जीत चुकी है ऑपोजिशन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यूके लॉन्चेस बिल टू डिटर चाइनीज इन्वेस्टमेंट सी दैट इज मेले हम चाइना से इतने अलाउम्ड क्यों रहते हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट प्रो डेमोक्रेसी लॉ मेकर यहां पे भी चाइना ये बिजनेस न्यूज है जीडीपी श्रैंक हुआ एट पॉइंट सिक्स परसेंट क्वार्टर टू में पुशिंग इकोनोमी इन टू दिस इज नॉट गुड ऑक्टोबर डेटा ऑल दो बोल रहा है कि ब्राइटन होगा फोरकास्ट इज लुकिंग गुड फॉर्मिडेबल रिस्क है अभी भी आर ने मंथली बुलेटिन में कहा अब रिस्क क्या है जैसे हमने एक स्टेटमेंट दिया कि जी डी पी ऑल दो रेसेशन बट रिकवरी के साइन है रिस्क क्या है अनरिलेंटिंग प्रेशर है इन्फ्लेशन का डिस्पाइट इम्पोर्ट इन्फ्लेशन अभी भी छह परसेंट या सेवन परसेंट टच कर रही है फोर प्लस माइनस टू सेकेंड कोविड नाइन्टीन वेव वापस आ रही है ग्लोबल ग्रोथ को ये हर्ट करेगा स्ट्रेस आ रहा है हाउस होल्ड कारपोरेट्स में भी इनकम फॉल रेवेन्यू फॉल लॉकडाउन के इम्पैक्ट तो रिस्क है अभी रिकवरी होने में ये सोशल इंफ्रा पीपीपी एलिजिबल है वायबिलिटी गैप फंडिंग में वी जी एफ तो जो सोशल इंफ्रा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एलिजिबल है वीजीएफ लेने के लिए इक्कीस सौ करोड़ का गवर्नमेंट एक स्कीम रीजिक कर रही है वीजीएफ क्या होता है इसका मतलब समझना चाहिए वायबिलिटी मतलब उसको वायबल करना काम करने लायक बनाना पर उसमें एक गैप आ रहा है तो उसके लिए फंडिंग करनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल अगर लॉन्ग स्टेशन पीरियड है रोड बनाना है बहुत पैसे लग रहे हैं लॉन्ग स्टेशन पीरियड है रिकवरी नहीं आ रही है तो कोई भी फर्म यहाँ पे आना नहीं चाहेगी बिकॉज वायबल नहीं हो रहा है तो सरकार उसको थोड़ा हेल्प करती है फंडिंग देती है वो होती है वायबिलिटी गैप फंडिंग ये वन टाइम होता है प्रोवाइड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल जो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड हैं बट फाइनेंशियली वायबल है ये रोड बनाना ज़रूरी है बट ये वायबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज पैसे इतने टाइम तक कोई लॉक इन नहीं करना चाहेगा दस दस साल का गैस स्टेशन पीरियड है तो लैक ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी से क्या होता है लॉन्ग गैस स्टेशन है वो वर्क आगे नहीं बढ़ेगा तो सरकार स्टेप इन करेगी और वहां पे प्रोवाइड करती है वी ताकि उसको एक्टिव कर पाए तो दैट इज़ दिस वी ये रिस्क है रिकवरी ये होती है इनसाइडर ट्रेडिंग अब जैसे स्टॉक मार्केट्स चल रहे हैं स्पेकुलेशन पे है, कोई एक कंपनी है उसका कुछ नया प्रोडक्ट है स्कीम्स है डील्स है तो इसका भी स्पेकुलेशन है ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है स्टॉक्स इसके ऊपर नीचे जाएंगे अब ये कंपनी का कोई इनसाइडर एम्प्लॉई है जिसको पता है कंपनी कौन सा टेक ओवर करने वाली है क्या प्रोडक्ट लाने वाली है किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी वो ये इन्फॉर्मेशन किसी स्टॉक मार्केट वाले को दे देगा और वो उसके अकॉर्डिंग इसके शेयर्स को परचेज करेगा सेल करेगा तो ये क्या होगा इनसाइडर ट्रेडिंग इनसाइडर ट्रेडिंग जो है इसमें जो कोई कंपनी स्टॉक में है सिक्योरिटीज़ में अगर है लिस्टेड है और वहां पे वो इंफॉर्मेशन इस तरीके से शेयर हो रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाएगा वो ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग है ये काफ़ी कंट्रीज़ में इलीगल माना जाता है अमेजन ने बोला अक्यूज़ किया फ्यूचर ग्रुप को इनसाइडर ट्रेडिंग अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप की डील चल रही थी बट फ्यूचर ने अपने कुछ सेल कर दिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड को रिटेल को तो अमेजॉन इसको लेके गया सिंगापुर ट्राइब्यूनल में सिंगापुर ट्राइब्यूनल में हमने कहा कि हम इसको तो मानते ही नहीं है सिंगापुर ट्राइब्यूनल को तो फ्यूचर ग्रुप ने कहा वो के साथ अपनी डील कंटिन्यू करेगा बट अभी फिर से लीगल पे टसल चल रहा है ये पी स्कीम है सी प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा एक्सप्लेन आया था पीएलआई का हैव अ लुक पीएलआई जो स्कीम है ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को कट डाउन करने में हेल्प करेगा इंपोर्ट कैश इंसेंटिव इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग दिया जाएगा ताकि जो फॉरेन कंपनीज है वो भी अपना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर पाए द होल आइडिया इज इससे इन्वेस्टमेंट आएगा कॉस्ट हमारा ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होगा एंड इट विल हेल्प अस विद एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ सो दिस इज पी इसका जो एम्बेट है वो अब बढ़ गया है बहुत सारे सेक्टर्स इसमें अब कवर हो रहे हैं पी स्कीम ये इंपॉर्टेंट स्कीम है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है अपकमिंग एग्जाम में एक सवाल आएगा इससे पी स्कीम से ये है वागीर आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जाइंट स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग तो इंडियाज डिफेंस इनविंसिबल ये क्या है सबमरीन है सबमरीन मतलब पानी के अंदर फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है लॉन्च हुआ मजेगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड दिस इज मजेगांव शॉक डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है डिफेंस प्रोडक्शन सो ये अभी वागीर है फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास है ये एक एक्सरसाइज करते हैं मैनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी इन सब के लिए ये all, कही ना कही ये चीजें इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज एंड ऑल कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सबमरीन ये बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इन एक्टिव जो अभी काम कर रही है एक्टिव है एक्टिव सर्विस में है इंडियन नेवी पनडुब्बियों की एक सूची इनमें क्लास है जैसे स्कॉर्पियन क्लास है स्टेल्थ है न्यूक्लियर है सो दिस इज स्कॉर्पियन ये एक हम लिस्ट तैयार करते हैं ओके सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू फॉर टूडे इफ़ यू मूव फर्दर दिस इज़ अमेज़ोन दिस इज़ मारुति सी मारुति का क्या आइडिया रहता है कि कितना एवरेज आता है एवरेज ज़्यादा आएगा जब बॉडी लाइट होगा तो मारुति की कार्स में अक्सर कंप्लेन क्या आती है कि बॉडी वीक है शेप इसका वीक है और सी जीरो मिला है इसे एन सी ए पी क्रैश टेस्ट में व्हीकल ऑफर्स ऑनली ड्राइवर साइड एयर बैग्स हम इंडियंस जो होते हैं ना सेफ्टी को इतना ज़्यादा प्रीडामिनेंट इतना महत्व देते नहीं है जो कि देना चाहिए न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है ग्लोबल एन इसमें जीरो नंबर मिला मारुति की दिस एक्सप्रेसो स्कोर में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आया था मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में एम्फेसाइज किया गया था कि ड्राइवर सेफ्टी पैसेंजर सेफ्टी इन दिस टाइप ऑफ क्रैश ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है सो दिस इज अबाउट दैट जीएमआर इंफ्रा रीशेड्यूल कैपेक्स प्लान है वर्चुअल ऑफिस रियालिटी होगा बाई टू थाउजेंड थर्टी एरिक्सन बताया और दिस इज स्पोर्ट्स चैंपियन टाइगर वुड्स जैकेट सो दिस इज दिंदू ये इंडियन एक्सप्रेस है रेसेशन जी डी पी कॉन्ट्रैक्ट एट पॉइंट सिक्स बट रिकवरी है बट रिस्क भी है दिस इज चाइना एंड पैंग इंडिया कंसिडर्स ऑफर बूस्ट है लोकल प्रोडक्शन कट इम्पोर्ट गवर्नमेंट ब्रिंग डिजिटल न्यूज़ ओ टी टी प्लेटफॉर्म अंडर आई एंड बी वॉच ये इम्पोर्टेंट न्यूज डेवलपमेंट है लुक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेन्स में और इंटरव्यू में देन दिस इज द सिटी न्यूज़ दिल्ली मेट्रो ये वगीर है देन फिफ्टी परसेंट है सैरोन्ेंस स्क्रीन टेस्ट सैरो प्रेविलेंस क्या बताता है ये बताता है कि क्या आप कॉन्टैक्ट में आए इन्फेक्शन के दिस कोविड एंटीबॉडी का लेवल क्या है इससे बता सकते हैं कि पास्ट में आपको कोरोना वायरस का कुछ आपका वहाँ पे हुआ या नहीं हुआ बिकॉज अगर हुआ है तो एंटीबॉडी लेवल ज्यादा होगा बॉडी में देन दिस इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स प्राइम मिनिस्टर को चेयर करेंगे एशियान एशियान इज वेरी इंपॉर्टेंट एशियान में कितनी कंट्रीज होती है और इनके नाम भी पता होना चाहिए एशियान समिट टूडे फोकस होगा इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक टाइज में सी न्यू दिल्ली आई कर रही है इंडो पैसिफिक पैक्ट में इंडो पैसिफिक और क्वाड में डिफरेंस है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक बिजनेस भी है और जो ख्वाड है ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री है इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू वेलकम एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक बहुत सारा कॉमन कॉमनलिटी है एशियन और इंडिया में इन एशिया पैसेफिक विज़न में भी इंडो पैसेफिक विज़न में भी एशियन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ट्रेड के लिए भी अब सी ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है रिजर्व है बायोडाइवर्सिटी का हाईवे ऑफ ग्लोबल ट्रेड है फ्रंटियर है साइंटिफिक रिसर्च का कोऑपरेशन करें मैरीटाइम डोमेन इंडियन ओशन पैसिफिक इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट अंडर द ओवरऑल रूब्रिक ऑफ एशियन इंडियन कोऑपरेशन ये हमें ध्यान देना है एशिया इन इज इंपॉर्टेंट आइजोन इंडो पैसिफिक समिट होगा इसके बारे में कल डिटेल्ड न्यूज देखेंगे देन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ओडिशा फिश को दे रहा है न्यूट्रिशन स्कीम में विच इज अ गुड थिंग माल न्यूट्रिशन अब ये न्यूज टैंपलेट है ना आप इसका एग्जाम्पल लिखो कहीं भी आपको न्यूट्रिशन का कोई एग्जाम्पल लिख रहे हैं बीच में अगर आपने ये एक लाइन लिख दिया कि ओडिशा में दिस फिश न्यूट्रिशन स्कीम है सो so दैट हम फाइट करें माल न्यूट्रिशन का एग्जाम जो आपका पेपर है ना वो आंसर है वो स्लाइटली बेटर हो जाता है दिस न्यूज टैंपलेट से अनादर स्टेप टूवर्ड्स फाइटिंग माल न्यूट्रिशन बिकॉज हर स्टूडेंट सेम आंसर लिखता है जो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है जो थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड दिखता है वो आंसर बेटर लगता है देन फास्टैग है एन एच ए आई ने बताया सेवेंटी फाइव करोड़ डेली कलेक्शन हो रहा है फास्टैग से विच इज़ अ गुड थिंग टोल में इससे क्या होता है टाइम कट हो जाता है पैसे एक्सचेंज करना नहीं पड़ेगा फास्टैग एक आर एफ आई डी लगा है उससे तुरंत आपका आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे एंड यू डो नॉट हैव टू वेट एफिशियंसी आएगी स्कूल्स एंड कॉलेजेस सेंटर एंड स्टेट कल फाइनेंस कमीशन की बात किया था अभी ये प्रेसिडेंट्स आपके पास रिपोर्ट है इसको टेबल करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल पार्लियामेंट में ताकि इसके फाइंडिंग्स पता लगे और हम डिटेल डिस्कशन करें फाइनेंस कमीशन मस्ट मेंटेन डेलिकेट फेडरल बैलेंस देन दिस इज क्लियरिंग द कोविड टेस्ट डिजिटल गेम विल गो ऑन ईयर ऑफ लॉकडाउन है पैंडमिक इम्पैक्ट मोरटोरियम टू रिपोर्ट लोवर एन सी ऐसे लिखना है आंसर में टैक्स टेरिज्मी ये ओ टी टी कंटेंट है गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है कैसे इफेक्ट होगा दिस रेगुलेशन इज गुड पॉम्पियो वॉइस कॉन्फिडेंस सेकेंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे इस पर को तो फायर कर दिया है ट्रंप ने देन सूखी है वांट री हुआ ओपोजिशन फर्दर और ये चाइना शेंजेन सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस अब क्विकली हम देखते हैं बंगाल को वेस्ट बंगाल सबसे पहले आप ये बताओ उसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं बिकॉज ये तो इंडिया है हमारा और इंडिया के देखिए ईस्ट में बंगाल है ये हुआ वेस्ट ये हुआ ईस्ट तो बंगाल तो ईस्ट में है तो उसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं स्टेट को वेस्ट बंगाल अब सी ये इसके सारे दिस एरियाज हैं बाउंड्री कहाँ शेयर हो रहा है मेजर इधर इंटरनेशनल बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ ये जो वेस्ट बंगाल है ये इधर भूटान से भी कनेक्टेड है सी भूटान सिक्किम भी है और नेपाल भी है इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल ये दार्जिलिंग आ गया ये सिक्किम है कैलिम्पोंग और दार्जिलिंग और ये भूटान है और यहाँ पे फिर असम स्टार्ट होता है ये एरिया जलपाईगुड़ी एंड दिस दिस इसको चिकन कॉरिडोर भी बोलते हैं इस एरिया को ये बिहार है झारखंड है और उड़ीसा है और ये सारे इसके ये डिस्ट्रिक्ट ये सारे जिले हैं ये है कोलकाता और ये चौबीस परगना है और फिर बे ऑफ बंगाल स्टार्ट हो जाता है ये माउथ ऑफ दिस हुगली रिवर है ओके वेस्ट बंगाल ईस्टर्न इंडिया दिस हिमालय बे ऑफ बंगाल कोलकाता पहले कैलकाटा नाम था इसका वेस्ट बंगाल काफी समृद्ध एरिया था ये बहुत प्रॉस्परस एरिया था यहाँ पे जो कलकत्ता है काफी पुराना शहर है देन दिस इज ये विक्टोरिया मेमोरियल भी है यहाँ पे सी वेबसाइट एंड दिस क्लास एलेवेंथ आर्ट विक्टोरिया मेमोरियल वेरी वेरी फेमस डेडिकेटेड टू ब्रिटेन क्वीन सो दिस इज बैंग ट्री ये गवर्नर है ये पॉपुलेशन है और ये कैपिटल है सी अब बिकॉज यहाँ पे रिवर्स यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे प्लेन बहुत ज्यादा मिलेंगे प्लेन सी हर जगह यहाँ पे प्लेन है प्लेन है बिकॉज सेडिमेंट्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा गंगा रिवर सेडिमेंट लेके आ रही है गंगा रिवर भी एक बांग्लादेश में चली जाती है और जो हुगली रिवर है वो इंडिया में ऐसे बचती है ये सारे प्लेन्स हैं यहाँ पे सी दीज आर प्लेन्स ये एक दामोदर रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और ये यहाँ पे दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे डीवीसी ये झारखंड स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे ओके सो दीज आर द प्लेन एंड रिवर ये मैदिनापुर है ये हुगली रिवर है और ये बहुत सारे जो हैं दीज आर दीज आर सुंदरबंश ये पूरा सुंदरबंश एरिया है यहाँ पे सुंदरबंश देन यहाँ पे सिक्किम ये एक टाइगर हिल्स है यहाँ एक बार जाना है मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल है सनराइज़ यहाँ पे बहुत अच्छा दिखता है एक तो ये टाइगर हिल्स देखनी है मुझे एक बैंग यहाँ उड़ीसा का जो बीच है फाइव किलोमीटर पीछे पानी रिसीड हो जाता है जिसको देखना है एक डल लेक डल लेक इज़ वेरी ब्यूटिफुल ये टाइगर हिल्स है देन दिस इज़ दार्जिलिंग हिल्स है और फिर यहाँ पे असम स्टार्ट हो जाता है ओके सो दिस इज़ वेस्ट बंगाल फिर हमने पढ़ा दिस इंडो पैसिफिक सेक्शन है सबमरीन पीएलआई स्कीम है इनसाइडर ट्रेडिंग है जीडीपी फोरकास्ट है ये है वायबिलिटी गैप फंडिंग दिस इज एफ सी आर ए रूल्स अमेंड हुए हैं सैंडलवुड रिमेंबर दिस नेम ऑपरेशन थंडर ट्वेंटी ट्वेंटी वैक्सीनेशन कॉशियस वेट एंड वॉच देन दिस इज अबाउट मिथ एंड द रियलिटी ऑफ इलेक्शन फोरकास्ट दिल्ली अपडेट्स दस्तक आर्टिसंस इस पे भी एक व्यू पॉइंट होना चाहिए जो को इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो रही है छठ पूजा व्यू पॉइंट एंड देन दिस इज सेंटर अनवील इंसेंटिव लद्दाख स्टैंड ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको प्रिपेयर करना है द नीड फॉर रेगुलेटिंग ओ टी प्लेटफॉर्म्स सो दिस इज ट्वेल्थ ऑफ नवंबर ट्वेंटी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ